क्या आपको पता है कि किम जोंग उन अपना पर्सनल टॉयलेट हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। दूसरे कंट्री जब वो जाते हैं तो अपना टॉयलेट को वापस लेके आते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनके मल के अंदर उनके हेल्थ का डेटा है जो कि किसी भी और कंट्री के पास नहीं जाना चाहिए। और ये कौन सा फूल है जो कि सोते हुए बच्चे की तरह दिख रहा है? और क्या आपने कभी ऐसा इंसान को देखा है जिसके सिर्फ चार उंगली है? और ये जो मशीन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है दुनिया का सबसे क्रूर मेडिकल इक्विपमेंट। एक सॉफ्टवेयर बग के चलते चार लोगों को खा लिया था ये मशीन। और अगर 10 रुपए का कॉइन आपसे अगर टूट जाए तो क्या वो वैलिड रहेगा? और जब अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तब वो धरती को जब ऊपर से देखते हैं तब उनके अंदर एक ड्रामेटिक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है जिससे कि वो रोने लगते हैं। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और क्या आपको पता है एरोप्लेन जो निशान अपने पीछे छोड़ जाता है वो असल में धुआं नहीं होता, पानी होता है। ऐसे ही कई अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वैसे आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे। सब्सक्राइब नाउ। So, let's begin. Fact number 13. अपने रेडिएशन के बारे में सुना होगा, रेडिएशन कितना खतरनाक होता है इंसानी शरीर के लिए, तो आपने गामा रेज के बारे में भी जरूर सुना होगा। पहले ये जानो कि गामा रेज को मापा जाता है ग्रेज में। गामा रे को मापने का यूनिट होता है ग्रे। तो अब इस बात को सुनो कि इंसानी शरीर में अगर 5 ग्रेज भी लग जाए शरीर में तो शरीर खत्म हो जाएगा, इंसान मर जाएगा 5 ग्रे सहेगा तो। और जानवरों की भी बात करें तो आमतौर पर जितने जानवर है जैसे कि काऊ, बफेलो, टाइगर, कोई भी ले लो, इन सब में से किसी के भी शरीर में अगर आप 5 ग्रेज गामा रे मारोगे तो वो मर जाएगा। पर डेनोकोकस रेडियोडोरांस नाम का एक जीव होता है और ये वोपिंग 5000 ग्रेज को सह सकता अपने ऊपर। कोई भी लिविंग बीइंग यानी कोई ऐसा चीज जिसमें आत्मा हो वो इतना ज्यादा लेवल का गामा रे कैसे सह सकता है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 12, दी ओवरव्यू इफेक्ट। इसको ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा डीपली अपना सारा फोकस हटाओ और इधर दो फोकस। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना, ओवरव्यू इफेक्ट एक ऐसी चीज है जो कि आप सबको हो जाएगा। कब होगा? अगर आपको स्पेस में मैं भेज दूं तो। क्या है कि ये ओवरव्यू इफेक्ट एस्ट्रोनॉट्स का अनुभव है और इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं। ओवरव्यू इफेक्ट मतलब दिमाग का वो स्टेट जो कि तब एक्सपीरियंस होता है जब आप अर्थ को एज टोटल अर्थ देखते हो। क्या है कि देखो, धरती पे आप हो अभी तो आप अपने लाइफ में अभी बिजी हो, स्कूल में बिजी हो, या तो कॉलेज में बिजी हो, या तो जॉब में बिजी हो, तो ये सब धरती के अंदर रह के आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन आपको अगर मैं स्पेस में भेज दूं अभी तो जब आप टोटल अर्थ को देखोगे ऊपर से तो आपका चेहरा ऐसे होने लगेगा, आप इमोशनल होने लगोगे और रियलाइज होगा एक इमोशनल सा चीज ऊपर से देख के कि यही हमारी धरती है, एक ऐसी प्लेनेट जिसमें आपका परिवार है, आपका दोस्त है, आपके दुश्मन भी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, लेकिन है तो सही। ये एक बहुत ही डीप बात है, मतलब एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आती है धरती को एज अ टोटल ऑब्जर्व करने में, और आंख से आंसू आ ही जाता है जब ये दिखता है। तो मतलब एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ देखा, इमोशनल हुआ, ठीक है, वैसा नहीं। वो हिट करता है हर एक एस्ट्रोनॉट्स को। वो जो ओवरव्यू इफेक्ट जो कहा जा रहा है ये उस फीलिंग का नाम है जो कि हिट करता है जिससे कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स का ये कहना है कि धरती को एज टोटल एक्सपीरियंस करना वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस है। ऐसा थियोराइज किया गया है कि इस एक्सपीरियंस को यानी धरती को स्पेस से देखने के बाद जो प्यारा फीलिंग आता है, इसको अगर धरती का हर एक इंसान एक्सपीरियंस कर ले तो वॉर रुक जाएंगे। मतलब लोगों को आपस में लड़ाई करना स्टुपिडिटी लगेगा बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ये बात रियलाइज होगा कि इस अनंत ब्लैकनेस ऑफ स्पेस में बीच में हमारी धरती है, लोनली सी, इसमें हम सब हैं, इसलिए ज्यादा उड़ने का जरूरत नहीं है। स्पेस बहुत बड़ा, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हेट, दुश्मनी, ये सब बहुत छोटी चीज है एट अ ग्रैंड लेवल। बहुत डीप फैक्ट था लेकिन आपको मजा आया होगा। मेरी जो कोर ऑडियंस है उसको मजा आया होगा इस फैक्ट में। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है सूरज का ढेकार किसे कहते हैं करके होता है ना, तो सन्स बर्ब ये एक वर्ड होता है, ऑफिशियल वर्ड है सूरज का ढेकार। इसका मतलब वही होता है जिससे आप काफी फेमिलियर हो, सोलर फ्लेयर्स। सूरज के ऊपर से जो सोलर फ्लेयर्स निकलता है उन्हीं को सन्स बर्ब कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है, वो जब भी बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स वो अपना टॉयलेट कैरी करते हैं, यानी उनका जो टॉयलेट है वो भी किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। अब आप इसके बारे में डीपली सोचो एक बार कि अगर कोई बाहर का गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रेसिडेंट कोई भी भारत में आया, कोई इवेंट अटेंड किया, तो भारत के किसी होटल में सोएगा, बहुत सुरक्षित होटल में, वहां का वॉशरूम यूज करेगा, तो जिस वॉशरूम में
कोई मंत्री टॉयलेट कर रहा है तो ऐसा तो हो ही सकता है कि कोई प्लान करके रख ले कि उसका जो टॉयलेट है उसको हम कलेक्ट कर लें कुछ सेटिंग बैठा के। तो इसी का डर किम जोंग उन को रहता है। और क्योंकि टॉयलेट से शरीर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, एक पूरा मेडिकल रिपोर्ट तैयार होता है टॉयलेट से, आपको पता ही होगा, देखा ही होगा आपने। तो ये ना हो इसी के डर से ये अपना टॉयलेट, अपना कंटेनर, जी आपने सही सुना, कंटेनर भी लेके जाते हैं और उनके किए हुए टॉयलेट को उनका टीम वापस उनके कंट्री ले जाता है। मतलब प्राइवेसी, ये जो वर्ड है ना कि प्राइवेसी, इसका तो पीक है ये। अब टॉयलेट के लेवल पे प्राइवेसी, इससे बड़ी प्राइवेसी और क्या हो सकती है? ऐसा तो रिपोर्टेडली कोई भी और दुनिया का गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा नहीं करता है। ये एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 9, बचपन में हम सब ने देखा होगा एरोप्लेन के पीछे से निकलता हुआ एक धुआं, और ज्यादातर लोग यही अज्यूम करते हैं कि वो इतना धुआं होता है, लेकिन नहीं, वो धुआं नहीं होता है बल्कि ठंडे ठंडे बर्फ के पार्टिकल्स का कलेक्शन रहता है, आइस है वो। क्या है कि इस बात को ध्यान से सुनो, एयरप्लेन जब उड़ता है आसमान में तब उसके इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसका टेम्परेचर वोपिंग 600 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यानी प्लेन के एग्जॉस्ट का टेम्परेचर इतने हाई स्पीड में इंजन को पावर करने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस तक तो चला जाता है, लेकिन प्लेन आसमान में जिस जगह उड़ता है उस जगह का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस होता है। वो एनवायरनमेंट इतना ठंडा होता है, लेकिन जो एयरप्लेन का एग्जॉस्ट होता है वो अल्ट्रा गर्म होता है। तो ये जब मिक्स होते हैं तब कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है। ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस है, -70 का एनवायरनमेंट और 900 डिग्री का एग्जॉस्ट, तो इसी डिफरेंस के चलते ये फॉर्म होता है और इसे कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है। कॉन्ट्रेल्स का ब्रेकडाउन करोगे तो दो शब्द निकलेगा, कंडेंसेशन और ट्रेल्स। एयरप्लेन के धुएं में जो वाटर वेपर होता है वो 900 डिग्री वाला पानी जब अचानक से -70 पे आता है तो वो इतना कड़क रूप ले लेता है और वही आसमान में हमें बादल की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 8, आपने हिप्पोपोटामस के बड़े वाले वर्जन को तो देखा ही होगा, लेकिन ये देखो हिप्पोपोटामस का छोटा वाला वर्जन, हिप्पोपोटामस का एक बच्चा। फैक्ट नंबर 7, कभी कभी अचानक से आसमान में हमें रेनबो कुछ अजीब तरह से दिखता है, जैसे कि ये क्लाउड्स के ऊपर हमें रेनबो का एक सर्कल दिखता है और इसे टेक्निकली कहते हैं रेनबो स्कार्फ क्लाउड। फैक्ट नंबर 6, एंगुलोआ यूनिफ्लोरा, ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का फूल है, ये भारत में कहीं नहीं पाया जाता, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है, लेकिन ये फूल दिखने में ऐसा लगता है कि इस फूल के अंदर कोई बच्चा सोया हुआ है, कोई इंसानी बच्चा सोया हुआ है। ये कुदरत के सबसे अनोखे फूलों में से एक है। फैक्ट नंबर 5, मान लो एलन मस्क का सपना पूरा हो गया, हमने मार्स पे कॉलोनी बैठा दिया, तो अब क्या है कि आप अपने शहर से ट्रैवल करते हो दूसरे शहर में अभी के समय की बात हो रही है, या फिर आप दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते हो अभी के समय, लेकिन जब मार्स या चांद में कॉलोनीज बस जाएगी तब तो आपको टिकट बुक करना होगा, अरे मार्स का टिकट बुक करना, जाना है रिलेटिव के पास, ऐसा कहा जाएगा। ये सीन्स नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल भी कि अपने बुआ के पास मार्स पे जा रहा हूं या फिर मामा के बेटे के पास जा रहा हूं चांद पे, ऐसा मे बी 1000 साल बाद कॉमन हो जाए। लेकिन एक चीज है जो कि हमेशा रहेगी और उस चीज को कोई नहीं तोड़ सकता। क्या कह रहा हूं मैं भला, क्या चीज नहीं टूट सकती? देखो, लाइट की स्पीड या फिर सिग्नल की स्पीड या फिर इंफॉर्मेशन की स्पीड जो स्पेस में होती है उसका तो एक लिमिट है हमारे यूनिवर्स में, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो बात यह है कि अगर हम लोग सोलर सिस्टम में ही इंटरनेट अगर लगा दें किसी भी तरह, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके, और मान लो भविष्य में धरती, मार्स और चांद तीनों इंटरनेट से जुड़ी हुई है, तो बात यह है कि अगर आपका दोस्त मार्स पे है तो उसको अगर आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे तो उसको 3 मिनट बाद वो मैसेज जाएगा, और वो जब रिप्लाई करेगा आपको तो और 3 मिनट लगेगा, यानी टोटल 6 मिनट खाली ये बात करने में 6 मिनट का ड्यूरेशन। और ये तब होगा जब हम लोग इन्फॉर्मेशन ट्रैवल का हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएंगे तब। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी की बात करें हम तो 20 मिनट लगते हैं मार्स तक सिग्नल जाने में, 20 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में। और जो लोग साइंस एंथुसियास्ट्स हैं उनके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि तब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मार्स में रोवर चलता है, जो वहां पे रिसर्च करता है, उसको हम लोग रियल टाइम में तो कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, एक सिग्नल भेजने पे 20 मिनट बाद पहुंचता है रोवर को, तब जाके वो काम कर पाता है। और ये कारण है कि जब सिग्नल भेजते हैं साइंटिस्ट तो वो एक सिग्नल नहीं बल्कि बल्क ऑफ सिग्नल एक साथ भेज देते हैं, ताकि ये जो 20-40 मिनट का डिले है इससे अपना रिसर्च नहीं रुक पाए। और वैसे भी रोवर्स अपने आप में इंटेलिजेंट होते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है वो अपने एल्गोरिथम से पता लगा लेते हैं। तो ये तो रोवर की बात अलग हो गई, लेकिन एक चीज तो तय है कि इंस्टेंटली व्हाट्सएप पे बात करना दूसरे प्लेनेट वालों से ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक होता है ना कि हाँ टेक्नोलॉजी बढ़ने की उम्मीद रहती है, वैसा भी नहीं है ना, क्योंकि यूनिवर्स में लाइट और सिग्नल का एक स्पीड लिमिट है और मार्स बहुत दूर है अगर सिग्नल के टर्म्स में बात करें तो पीक टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद भी 3 मिनट लग जाएंगे। टेक्निकली बताऊं इस बात को तो मंगल ग्रह 3 लाइट मिनट्स दूर है, यानी लाइट को वहां तक पहुंचने में 3 मिनट लग जाते हैं। तो क्योंकि सिग्नल ऑलमोस्ट उतना ही स्पीड से ट्रैवल करता है, कुछ 99% पे, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन डिले विथ अदर प्लैनेट्स ये यूनिवर्स का लिमिटेशन है,
टेक्नोलॉजी का नहीं। फैक्ट नंबर 4, आप जब भी कोई कैफे जाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, तो आप वहाँ के टेबल के शेप को नोटिस करना एक बार। दो टाइप के आपको शेप दिखेंगे, एक स्क्वायर रहेगा या फिर रेक्टेंगल रहेगा या फिर एक टेबल गोल रहेगा। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आजकल गोल टेबल ही रखते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल सी बात है और वो है लोनलीनेस। क्या है कि इंसान जब भी कोई रेक्टेंगल टेबल पे बैठेगा तो उसका तो चार साइड होता है, उसके दिमाग को थोड़ा लोनली फील होता है, उसको लगेगा मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, और एक तरह से एक लोनली वाली फीलिंग आने लगती है। और राउंड टेबल्स में कोई एज नहीं होता है, कोई किनारा नहीं होता है, इसलिए वो साइकोलॉजिकली कंफर्टिंग होता है उन लोगों के लिए जो कि अकेले गए हैं कैफे में, यानी अकेले गए हैं तो लोनली ना फील करें कि पूरा टेबल मेरा ही है, ऐसा फीलिंग आए। तो ये एक साइकोलॉजिकल सी चीज है जो कि रेस्टोरेंट्स यूज करते हैं। ये एक रिमाइंडर है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 3, एलिसा क्लेलैंड। एलिसा क्लेलैंड दुनिया के उन रेयर लोगों में से एक है जिनको की जन्म से ही एक्ट्रोडैक्टिली नाम की कंडीशन है, और ये कंडीशन जिनको होता है उनके हाथों के फिंगर्स या फिर पैरों के फिंगर्स में इफेक्ट पड़ता है, और इसी के चलते इनका आप देख सकते हो हैंड सिर्फ 4 फिंगर ही मौजूद है, और एक हाथ में ही नहीं बल्कि दोनों हाथों में ही 4 फिंगर्स मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपके पास 10 रुपए का कॉइन है और मान लो कि कॉइन ऐसे या फिर ऐसे टूट गया, जो कि बहुत रेयर होता है क्योंकि जब तक कोई जबरदस्ती करे ना तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर हुआ तो क्या वो कॉइन वैलिड होता है, लीगल होता है? तो इसका आंसर है नहीं। आप किसी भी दुकान में ले जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, और RBI के अनुसार अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको बैंक में जाके इसको एक्सचेंज कराना चाहिए, यही होता है ऑफिशियल प्रोसीजर, और बैंक मना नहीं कर सकता आपको। और ऐसे कॉइन्स बहुत रेयर होते हैं क्योंकि 10 रुपए के कॉइन में जो 2 लेयर्स होते हैं बीच से टूट जाना ऐसा बहुत कम होता है, हुआ भी तो बैंक जाना चाहिए। एक मिनट, लेकिन बैंक जाने में ही तो 10 रुपए ज्यादा खर्चा हो जाएगा, क्या बता रहा हूँ मैं लोगों को, बस नॉलेज के लिए रख लो इस बात को। फैक्ट नंबर 1, थेराक 25 नामक एक मशीन है, एक बार देखो इस मशीन को, ये भले ही आपको देखने में क्यूट सा मशीन लगे लेकिन ये है मेडिकल हिस्ट्री का आज तक का सबसे क्रूर मशीन। एक डर होता है मन में सबके, जब भी कोई ट्रीटमेंट या सर्जरी में जाता है तो एक सवाल मन में रहता है कि देखो सर्जरी या ट्रीटमेंट में जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो तो सॉफ्टवेयर से चलते हैं, वो कंप्यूटर से चलते हैं, तो क्या गारंटी है कि कंप्यूटर में बग नहीं आ सकता और उससे इंसान मर नहीं सकता? इसकी गारंटी कोई हॉस्पिटल आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा रेयर है इसलिए हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं। ये मशीन रेडिएशन का यूज करके शरीर के कैंसर सेल्स को मारता था, एक लिमिटेड डोज ऑफ रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को मारा जाता है। तो इस मशीन में एक सॉफ्टवेयर बग आ गया था, याद रखना कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं था, कोडिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का बग था, और 0.5 ग्रेज यूज करना था ट्रीटमेंट में। जो मैंने आपको गामा रे वाला फैक्ट बताया था ना कि 5 रेडिएशन हो 5 तो इंसान मर जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट में आधा से 1 रेडिएशन का यूज किया जाता था, लेकिन ये मशीन में सॉफ्टवेयर बग आया और हुआ ये जो 4 लोग मरे वो ऐसे मरे कि उनके बॉडी में ये जितना देना था 0.5 उसके बदले 1000 गुना ज्यादा, लिटरली 500 ग्रेज दे दिया उनके शरीर के ऊपर, और इसी सॉफ्टवेयर बग के चलते 4 लोग मारे गए और 2 लोग जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गए। और इसलिए जो ये थेराक 25 मशीन है उसका जो ये सॉफ्टवेयर बग था उसको दी वर्स्ट सॉफ्टवेयर बग इन हिस्ट्री कहा जाता है। क्या आपको पता है इस गर्मी में सूरज की असल में कोई गलती नहीं है, यानी सूरज जैसा था वो तो वैसा ही है, धरती में गर्मी बढ़ने का कारण धरती में मौजूद इंसान का कारनामा है, जिसे कि क्लाइमेट चेंज से भी संबोधित किया जाता है। क्लाइमेट चेंज जिसका कि हिंदी में मतलब होता है पूरे सिस्टम में बदलाव, धरती के वातावरण में बदलाव जो कि आया है किसके वजह से, पॉल्यूशन और एक्सेस कार्बन की वजह से। पर यहां पर कॉमन जानकारियों को छोड़ते हुए मैं आपको कुछ यूनिक बातों को बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के बारे में तो सुना ही होगा, यानी अचानक से हार्ट के किसी नर्व पे अटैक आना या फिर ब्रेन के किसी नर्व पे अटैक आना, इनको हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आई स्ट्रोक के बारे में सुना है? जी हाँ, आंखों का स्ट्रोक। कभी कभी एक्सट्रीम गर्मी या फिर पॉल्यूशन के चलते आंखों के अंदर जिन जिन पार्ट्स पे ब्लड पहुंचना चाहिए, जैसे कि रेटिना और बाकी पार्ट्स, वहां पर एक्सेस गर्मी के चलते ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि आंखों के अंदर मौजूद रेटिनल वेन्स जो होते हैं उनमें फ्लूइड नहीं पहुंच पाता और ना ही ठीक से ऑक्सीजन पहुंच पाता है। और यही कारण है कि गर्मियों के समय बहुत लोगों को आंख से थोड़ा कम क्लियर दिखता है और जो आई फ्लोटर्स होते हैं वो ज्यादा दिखने लगते हैं। कुछ लोगों के आंख तो आई स्ट्रोक के चलते परमानेंटली डैमेज हो जाता है और कुछ लोगों का आई ब्लीडिंग भी होता है। हीट वेव्स की बात करें तो आपने एक चीज देखा होगा न्यूज में या फिर हर जगह पे कि इस साल के गर्मी ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो बहुत लोगों के मन में आता है कि ये बात तो हम लोग हर साल सुनते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ दिया गर्मी ने या
या फिर ठंडे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो एक्चुअल में ना ये आपको सुनने में बहुत क्लीशे सा लगे कि हाँ ये तो हर साल सुनते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डेंजरस बात है, क्योंकि एक्चुअली में सच में जितना इतिहास में नहीं हुआ था गर्मी वो पड़ा है इस साल एकदम लिटरली। और हर साल का नंबर पिछले साल से ज्यादा ही होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इंसान ने ज्यादा पेड़ नहीं लगाया या फिर धरती के प्रकृति पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाला हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्म रहेगा, और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब दिल्ली जैसे जगह पे 60 डिग्री आपको देखने मिलेगा, और मे भी आज से हजार साल बाद 100 डिग्री बॉयल हो जाओ बाहर, रूम से बाहर निकल ही नहीं पाओ। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन इसका मीनिंग समझो बस। देखो दुनिया में कार्स को बनाना हम बैन नहीं कर सकते, कार्स का नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जो पॉल्यूशन निकलता है वो हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि व्हीकल्स लोग खरीदेंगे खरीदेंगे और खरीदते ही रहेंगे। और जहां तक एसी की बात है, जो शहरों में इतने सारे एसी चलते रहते हैं उससे भी कलेक्टिव लेवल पे बहुत पॉल्यूशन होता है, लेकिन ये बात भी ट्रू है कि एसी के नंबर्स को हम लोग कम नहीं कर सकते क्योंकि एसी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और हर साल एक्टिव एयर कंडीशनर्स का नंबर बढ़ते जाएगा। तो इन चीजों को अगर हम नहीं रोक सकते तो एक ही सॉल्यूशन है, वो भी रियलिस्टिक, कि हमें पेड़ों का नंबर बढ़ाना होगा। यानी जिस तरह वायरस की तरह रील्स फैलते हैं वैसे हम लोगों को एक मिशन पे निकलना होगा जिसमें हम लोग प्लांट लगाए, पेड़ लगाए। इनफैक्ट इस साल का जो आईपीएल चल रहा था उसमें भी क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया था कि हर एक डॉट बॉल पे जिस पे कोई रन नहीं मारता है उस पे वो पेड़ लगाने का संकल्प लिए और आईपीएल खत्म होने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी किए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो कि बिल्कुल कॉमन लगती है कि पेड़ लगाना क्या यार, बार बार की बात पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, तो ये सब बिल्कुल कॉमन सी लाइन, रिपीटेड लाइन कि आप पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, असल में यही बोरिंग लाइंस हमारे धरती को बचा सकती है। नहीं तो फिर 60 डिग्री सेल्सियस वाले भट्टी जैसे शहरों में रहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो ये वीडियो बनाने के बाद अपने घर के पीछे जाके जंगल में एक पेड़ लगाऊंगा बस। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।